अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी पीडीएफ फाइल्स को किस तरह एडिट कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम है लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस को किस तरह डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और किस तरह फिर हम अपनी पीडीएफ फाइल्स को एडिट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ये मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, गूगल ओपन कर लेना है और उसमें लिखना है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है वो वेबसाइट आपको नज़र आएगी। तो आपने जो है सिंपल ये जो लिब्रे ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आ जाना है। इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपने डाउनलोड पे आना है और डाउनलोड लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, आप इस डाउनलोड पेज पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली इस वेबसाइट पे आके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जो यहाँ पे आपको लेटेस्ट नज़र आएगा, एक इसके ऊपर वर्जन होगा और एक इसके नीचे होगा। तो यहाँ पे जो लिब्रे ऑफिस 7.4.7 है इसको आपने डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ करना है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे। अगर आपके पास विंडोज़ 32-बिट है तो आपने 32-बिट वाला डाउनलोड करना है। अगर आपके पास विंडोज़ 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपने फिर इसको डाउनलोड करना है। तो ये किस तरह हम चेक करेंगे कि हमारी विंडोज़ 32-बिट है या 64-बिट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपने इस पीसी पे राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाना। प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो यहाँ पे जो डिवाइस स्पेसिफिकेशंस है इसके सेकंड लास्ट पे आप देखेंगे सिस्टम टाइप लिखा हुआ है। सिस्टम टाइप के आगे देखें 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है। तो अगर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर सिस्टम टाइप जो है वो 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की है तो फिर आप जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे वो 64-बिट का डाउनलोड करेंगे। अगर आपके लैपटॉप में 32-बिट है तो फिर आप जो है 32-बिट वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। अगर आपके लैपटॉप में 64 है तो आप 32-बिट वाला भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड यही किया जाता है कि सिस्टम टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो डाउनलोड करें। तो यहाँ पे जो है आपको पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम टाइप क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने यहाँ पर आके अपनी विंडोज़ का जो वर्जन है वो सिलेक्ट करना है सिस्टम टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो विंडोज़ 64-बिट है तो 64-बिट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास 32-बिट है तो 32-बिट को करें। ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद ये जो डाउनलोड लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो IDM है उसके अंदर ये डाउनलोड लिंक आ चुका है। यहाँ से जो है इसको सिंपल मैं स्टार्ट डाउनलोड करूँगा तो ये जो सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस ये मेरे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास IDM ये जो टूल है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने वाला अगर आपके पास नहीं है तो मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि हमने IDM को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है और इसको फिर ब्राउज़र में हम किस तरह इसकी जो एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल करके ईजिली किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी वीडियो को हम ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से ये सॉफ्टवेयर जो है मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके ब्राउज़र से डाउनलोड होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर जो है मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, इसको इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है वो विंडो आएगी। यहाँ पर अब सिंपल हमने जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसको जो है टिपिकल या कस्टम यहाँ पे आपने टिपिकल इसको रखना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इसका जो है वो आइकन हमें डेस्कटॉप पे चाहिए इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप है इसको आपने चेक कर लेना है। नीचे वाली ऑप्शन को आपने स्किप कर देना है, इसको आपने चेक नहीं करना और यहाँ पर आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है लिब्रे ऑफिस हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही देर में ये सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे लैपटॉप में। अब यहाँ पे आपने इसको फिनिश पे क्लिक कर देना है और ये देख सकते हैं डेस्कटॉप पे जो आइकन है लिब्रे ऑफिस का वो आ चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने कोई भी पीडीएफ फाइल किस तरह एडिट करनी है बहुत आसानी से।
सबसे पहले तो इस सॉफ्टवेयर को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर में अपनी पीडीएफ फाइल को ओपन कर लेना है जिस फाइल को आप एडिट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड पे देखें ओपन फाइल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने जो है वो अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना। तो डेस्कटॉप पे मैंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से एक फाइल जो है वो रखी है पीडीएफ की, इसको मैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये फाइल जो है वो मेरे पास आ चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह एडिट करना है। सबसे पहले तो आपने इसको जो है वो जूम इन कर लेना ताकि आपको क्लियर नजर आए और एडिट करने में आसानी हो। जूम करने के लिए आप लेफ्ट साइड पे जो है ना नीचे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा है जूम इन का और माइनस का नज़र आ रहा है जूम आउट का। तो इसको जो है प्लस कर लेना ताकि ये आपका जूम हो जाए। आपने इसको इतना जूम करना है कि आप जो है आसानी से इसको देख सकें और उसके बाद इसको एडिट कर सकें। तो मैंने जो है इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो यहाँ पे इसको जूम इन कर लिया। अब जो है सबसे पहले तो फ्रेंड्स पीडीएफ फाइल के अंदर जितना भी हमारा टेक्स्ट होगा उसको हम इजीली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये जितना भी हमारे पास टेक्स्ट है इसको हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। हर लाइन के अंदर हमारा जो आउटर में एक बॉक्स नज़र आपको आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और इसको जो है हम आसानी से एडिट करके यहाँ पे अब कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहें आसानी से लिख सकते हैं, कुछ भी आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी जो लाइंस हैं दरमियान में है या जो भी लाइन है उसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन को आप जो है वो बोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है वो बोल्ड करना सिखा देता हूँ। उस लाइन पे क्लिक करना है और जितना टेक्स्ट आपको बोल्ड करना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना पहले और उसके बाद आप राइट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर बोल्ड लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने बोल्ड पर क्लिक किया ये बोल्ड हो गया आपके सामने। अगर आप इसको जो है वो बोल्ड नहीं रखना चाहते तो दोबारा बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको अटैलिक करना चाहते हैं तो अटैलिक कर लें, अंडरलाइन करना चाहते हैं वो भी इजीली हो जाएगा और स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं मतलब इसके दरमियान से लाइन करना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पर स्टाइल करना चाहें कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप ईज़िली यहाँ पर जो है वो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे पास जो है वो ग्रीन कलर में आ चुका है। तो ये अपनी मर्ज़ी से आपके जो भी इसमें आपके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का जो है वो कलर इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं रेड कलर हो गया। अगर आप अपने पैराग्राफ में बुलेट्स ऐड करना चाहते हैं तो बुलेट्स भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी जिस तरह मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया, और ये देख सकते हैं यहाँ पर बुलेट्स ऐड हो रही हैं। तो इस तरह जो है आप यहाँ पर डिफरेंट एडिटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। यहाँ पे अगर आप एडिट पे आएंगे तो काफ़ी टूल्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। उसके अलावा व्यू पे आएंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स मिल जाएंगे। इंसर्ट पे अगर आप इसके अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इमेज पे आके यहाँ पे कोई सी भी इमेज अपनी डिवाइस से सिलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर इमेज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई शेप ऐड करना चाहें, कोई रेक्टेंगल या फिर कोई सर्कल वगैरह, तो वो भी यहाँ पर ईजिली ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको टूल्स के अंदर इनके मुख्तलिफ कलर के टूल्स मिल जाएंगे। उसके अलावा ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स भी हैं, तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको एडिट कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो काम होता है वो बेसिकली काम यही होता है कि हमने पीडीएफ फाइल के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको चेंज करना होता है या उसको बोल्ड करना होता है या फिर उसके अंदर से कोई टेक्स्ट रिमूव करके कोई नया टेक्स्ट ऐड करना होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपनी पीडीएफ फाइल में करते हैं। इसको हम इजीली एडिट कर सकते हैं, कोई भी पीडीएफ फाइल हो इसके अंदर इजीली एडिट हो जाती है। ठीक है, तो अब जो है जब आप इसके अंदर सारी चेंजिंग्स कर लेंगे उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे फाइल पे आना है। फाइल में आने के बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट एज लिखा हुआ है, इसके आगे आप आएंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, कोई भी यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे तो आपकी ये जो पीडीएफ फाइल आपने एडिट की होगी वो डेस्कटॉप पे आ जाएगी। तो अब ये जो फाइल है ये अभी हमने एडिट किया, ठीक है, ये फाइल थी इसको हमने एडिट किया इसमें, और इजीली हम इसको कहीं पे भी अब यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स आप लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कोई भी पीडीएफ फाइल ईजिली एडिट कर सकते हैं और उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फाइनली इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।